एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है अभी रिसेंटली, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, वैसे ही हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया में भी है। तो इसमें क्या सिस्टम है ना कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है और जो साउथ इंडिया है, ये दोनों है ना, इन दोनों के रिलेशन है ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे आपको पता है जो नॉर्थ इंडियन होते हैं वो एक तरह से मानते हैं कि हिंदू, जो हिंदू है, हिंदी है और हिंदुज़म है, हिंदुस्तान है, ये तीनों एक तरह से होमोजेनियसली हम इसे मान के चलते हैं। बट जो साउथ इंडियन है ना, इसके बिल्कुल अपोज में ही चलते हैं, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि मतलब जो साउथ इंडियन है वो मतलब रिचुअल्स वगैरह को कम ही फॉलो करते, इतने ज़्यादा एडिक्टिव वे में नहीं लेके चलते। बट नॉर्थ इंडियन है वो तो अपोजिट वे में चलते हैं। एजुकेशनल में भी अगर कहते हैं तो साउथ इंडियन के एजुकेशन के पर्पस में भी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है, बट नॉर्थ इंडियन क्या है, इसमें भी थोड़े से बैकवर्ड में काउंट होते हैं। लाइक नॉर्थ इंडियन को कहते हैं हमारा, नॉर्थ इंडियन लोग जो होते हैं अंधविश्वास होते हैं, थोड़े से सुपरस्टिशियस जिन्हें हम बोल देते हैं। बट साउथ इंडियन एक तरह से प्रोग्रेसिव वे के पीपल्स होते हैं। तो हाँ, इन दोनों के जो है ना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में कौन सा आ जाता है, नॉर्थ इंडियन हमारा हो गया दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और अगर हम नीचे राजस्थान हो गया, एंड साउथ इंडिया में हमारा तमिलनाडु, केरला, ये सारी सारी कंट्री स्टेट्स आ जाती हैं। तो इन दोनों के जो रिलेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी बात चल रही है। तो इस पूरे पूरे एडिटोरियल में क्या चीज़ डिस्कस की गई है कि जो हमारे बी आर अम्बेडकर है, जैसे आप सभी जानते हैं बी आर अम्बेडकर को, तो 1956 में इन्होंने एक बात कही थी कि मतलब एक तरह से आर्ग्यू ही किया था कि लाइक नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो बहुत अंधविश्वासी है, इन्होंने बोला था, और एजुकेशन में भी बहुत पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडियन। बट साउथ इंडियन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में रेशनल थिंकिंग वाले पीपल्स हैं। और इन्होंने साथ में ये भी कहा था लाइक जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, इनको क्रिटिसाइज़ किया था, जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज़ किया था। क्या कह के क्रिटिसाइज़ किया था कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थी प्राइम मिनिस्टर, वो एक तरह ब्राह्मिकल रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हुए देखे गए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने जो हमारे राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट हैं, इनको भी क्रिटिसाइज़ किया था और कहा था कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ये ब्राह्मण वर्शिप करते हुए पाए गए थे बनारस में, कि जो ये गुरुज होते हैं, पंडित होते हैं, इनके पैर वगैरह धोते हैं। तो इस चक्कर में भी बी आर अम्बेडकर ने एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया था, और ये चीज़ देख के बी आर अम्बेडकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए थे। क्यों शॉक्ड हुए थे, इन्होंने ये कहा था कि अगर ये नॉर्थ इंडियन के इस टाइप के लीडर्स हैं, लीडरशिप अगर होगी, तो ये साउथ इंडिया कैसे इस चीज़ को टॉलरेट कर पाएगा। इसने यही कहा था कि ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे इसे इतने ईजिली। तो इस चक्कर में इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था और शॉक भी हो गए थे। तो जैसे मैंने कहा है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो चीज़ें बहुत अलग तरीके से की जाती है, बट अगर हम यही बात करते हैं साउथ इंडिया की, ये इसकी कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है। तो इसी बात पे सारी सारी बात हुई थी। अब नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को बताइए कि यहाँ पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है वो बीजेपी गवर्नमेंट से है। बीजेपी एक तरह से जो आरएसएस हो गया हमारा, हिंदुज़म को जो सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा हिंदुत्व को जो मानते हैं, वो लोग यहाँ पे हैं। तो बीजेपी आपको पता है प्रेजेंट टाइम पे हमारे साउथ साइड में आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये बिल्कुल अपोज हो जाती है। जैसे आप अगर भाषा के आधार पर कहोगे, लैंग्वेज की बात आधार पर अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं साउथ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे एक तरह से हिंदी को बहुत ज़्यादा माना गया है, बट साउथ इंडिया में क्या है, हिंदी की जगह तमिलियन हो गई, अदर अदर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है। तो ये दोनों रीजन्स है ना, ये लैंग्वेज के बेस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट है, ठीक है, बहुत डिफरेंट कहा जाता है, ठीक है। इसी रीज़न से जो बीजेपी का यहाँ पे ना कह रहे हैं सपोर्ट बहुत कम देखा गया है, क्योंकि साउथ इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस पे और बीजेपी जो है हिंदी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये थिंकिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, हम जो नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं, वो उनकी क्या एक तरह से थिंकिंग है, एक आइडियोलॉजी है कि हमारा ये एक देश है जो कि हिंदी के ऊपर बेस्ड है, हिंदुज़म को फॉलो करता है, और एक हिंदुस्तान, ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों चीज़ों को मान के एक तरह से होमोजेनियस वे में बात करता है। बट जो साउथ इंडियन है ये हमारा बिलीव करता है बिल्कुल डिफरेंट वे में। ये क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे कहते हैं कि ये इंडिया को एक तरह से फेडरेशन माना जाता है, नेशनलिस्ट माना गया है, कि यहाँ पे जो ना ये लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया कि यहाँ पे हमारे इंडिया में कल्चर बहुत ज़्यादा है, कल्चर की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चर के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, लैंग्वेजेस के साथ साथ रिलीजन अलग अलग फॉलो किए जाते हैं, रिचुअल्स अलग अलग आते हैं। तो मतलब इसके बेसिस पे ये इंडिया को मानते हैं, बट नॉर्थ इंडिया की क्या है, एक तरह से पूरा एक ही देश मानते हैं, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उस पर।
तो एक तरह से साउथ इंडियन क्या कह रहे हैं कि भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि जितना हिंदी को वो मिलती है इंपॉर्टेंस, उसी तरह से जो अदर अदर लैंग्वेजेस है। लाइक अगर आपको पता है कि अगर कई बार बात की जाती है कि हिंदी को एक तरह से नेशनल लैंग्वेज को हमें करार दे देना चाहिए, बट यहाँ पे साउथ इंडियन इसको अपोज करते हुए मिले हैं, क्योंकि अगर हिंदी को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया गया तो यहाँ पे क्या है, इनकी जो अदर अदर लैंग्वेजेस होंगी, अलग अलग स्टेट की जो लैंग्वेज है, वो एक तरह से सप्रेस हो जाएगी, और कोई भी अपनी लैंग्वेज को सप्रेस नहीं होने देना चाहता। तो इस रिगार्डिंग में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। तो अर्ली, जैसे आपको पता है, अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे ही क्या नाम है, कह दिया गया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटी है ना, उनकी लैंग्वेज को अलग अलग नेशनल स्टेटस मिलना चाहिए, इसके ऊपर बात हुई थी। और भारत जो हमारा इंडिया है, भाषा के आधार पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपने देखने को मिलेगा। इंडिया मतलब एक तरह से फोर्सफुली मूव कर रहा है टूवर्ड्स, लाइक आपको पता है नॉर्थ इंडियन में जैसे रिचुअल्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं, तो ये एक तरह से सपोर्ट कर रहा है होमोजीनियस वे में, जो मैंने अभी बताया है, हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इन तीनों चीज़ों के ऊपर। पर जो अदर साउथ इंडियन लोग हैं ना, वो इसके अपोज कर रहे हैं कि यहाँ के ना डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से ना थोड़े से इशू देखने को, बहुत ज़्यादा मतलब वर्स्ट कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको पता है, जैसे कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन, जो कहते हैं ताकतवर देश जो होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग नेशन किस बेसिस पे बनता है, कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेशन के अंदर आपको बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की जरूरत होती है, इसकी बहुत ज़्यादा नीड है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए। बट ये दोनों चीज़ें ना इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलती। कहाँ पे, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, साउथ और नॉर्थ इंडिया की अगर बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया में ये बॉन्डिंग देखने को भी नहीं मिलती, क्योंकि जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है। अब लैंग्वेजेस के बेस पे बहुत सारा भेदभाव आपको, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है, और उसी के बिहाफ पे जो पॉपुलेशन ना वो वर्क करती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस अदर अदर पॉपुलेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर कोई भी एक तरह से सिंगल लैंग्वेज नहीं है, जो कि सिंगल लैंग्वेज जो हमारा कम्युनिकेशन कर सके। लाइक अगर फ्रांस की बात करो तो फ्रांस इज अ लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जाती है, बट इंडिया में पता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज है, स्टेट के डिफरेंस पे भी आपको पता है बहुत सारे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक तरह से हर स्टेट को हर लैंग्वेज स्पीक करने की आज़ादी मिली थी, तो उसी के बेस पर। बट क्या कहा जा रहा है कि लाइक आपने बताया कि बीच में बहुत ज़्यादा बात करती है, हिंदी जो लैंग्वेज है इसको हम नेशनल लैंग्वेज मान लेंगे, बट क्या यहाँ पे भी इस चीज़ को कंटिन्यू में तो है कि हम आने वाले टाइम में इसको मान सकते हैं, बट इसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। क्या रीज़न है इसके पीछे, कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, और जो साउथ इंडियन है वो अपनी और जो अदर स्टेट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज को सप्रेस नहीं होना देना चाहते, कि वो भी तो अपने कल्चर को ओपनली रखना चाहते हैं ना, कि लोगों को पता चले, तो अपनी आइडेंटिटी को वो लूज़ नहीं कर सकते। तो एक तरह से इस पूरे पूरे कंटेक्स्ट में यही सारी बात की गई है। आई होप आपको ये सारा पूरा पूरा एडिटोरियल क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।